होगी। दोनों का सोने की सारी सीट आएंगी तो आपका नाम चुनने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसीलिए गांव टेलीफोन पर रिश्तेदारी में जानकारी में वो तक सोनी पर झज्जर अपने तीनों जिलों में जहां जहां रिश्तेदारी जानकारी है पूरे हरियाणा में आप सबका आपकी मदद की जरूरत है। आप साथ दो गाँव और भाई आपका आशीर्वाद मिले। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका मैं बहुत बहुत एक बार फिर और भाई एक और बड़ा सबका आपको पता ही है सरकार बनेगी अपनी सरकार राज आते ही तीन चार चीज करेंगे। सबसे पहले अपनी सरकार में देश में सबसे ज्यादा पेंशन पहले थी। सरकार दोबारा बनते ही देश में दोबारा सबसे ज्यादा पेंशन हरियाणा में 5100 पेंशन आते ही पहले। दूसरा किसान का जो कॉपरेटिव मिनी बैंक का जो कर्जा है जो बीजेपी ने किसान को डुबा दिया उस कर्जे की किसान की माफी करके और किसान को जो अपने सिंगल की बिजली है जैसे पंजाब पेट्रोल किसान को देने का काम करेंगे। और गरीब आदमी के लिए 300 यूनिट फ्री गरीब आदमी को सारे गरीब परिवार को एससी वर्ग के हमारे भाई के परिवार है जो इन्होंने अम्बेडकर छात्रवर्ती और वजीफा योजना बंद करने का काम किया है। एससी वर्ग के जो हमारे परिवार हैं उनके स्टूडेंट होते बच्चों के 12वीं तक हर महीने 1000 जो है उनको स्टाइपेंड और एक वजीफा 12वीं तक एससी के भी सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं और मैं विकास का तेजा होने का आपको इशारा करूंगी। और अच्छा आखिरी एक बात कहते हुए देखो भाई हर एक जिम्मेदारी आप भाई को देखो ताकि यहाँ कोई कमी कसर नहीं है। मैं बारीकी से समझकर और कमी कसर छोड़ कर सकूँ और आप बच्चा घर की बात चले जाना हरियाणा में जहाँ जहाँ आपको जाना है हल्के की मैं एक एक बात कर जिम्मेदारी से खुद देखूंगा। मैं गाँव को एक बात कहना चाहता हूँ गाँव और छत्तीस बिरादरी के बीच में पंचायत को मैं गाँव की एक बात कहना चाहता हूँ भाई गाँव में कभी भी किसी की कोई बात है कोई सामूहिक काम है या किसी का व्यक्तिगत काम है या किसी का ऐसा है कोई किसका उठाना है किसका जायज काम कभी रह गया था किसी कोई बात की तकलीफ है कोई भी बात है भाई मैं एक बात गाँव को कहना चाहता हूँ वहाँ का सारा गाँव मेरे लिए बराबर है छत्तीस बिरादरी मेरे लिए बराबर है किसी का भी कोई बात है तो भाई मेरे पास भाई किसी की बात है तो भाई मेरे पास सीधे आइयो मैं किसी को आउट नहीं करने की जरूरत नहीं और एक बार बात मैनिफेस्टो की बात आ रही थी बीपीएल की जो महिलाएं हैं जितने भी गरीब परिवार है उनको 2100 रुपए हर मंथ का खुला खर्च अलग से बात रखी थी। दूसरी बात जो अपने आपने याद होगा कि अपने समय में 11000 सफाई कर्मचारी आपका लगाए गए थे 11000 सफाई कर्मचारी मुद्रा सरकार ने लगाए थे खंड सरकार ने ना उनकी तनख्वाह बढ़ाने का काम किया ना उनको जो है कोई और सुविधाएं देने का काम किया। वही अपनी गवर्नमेंट आएगी मैंने 11000 सफाई कर्मचारी बनाए थे अब जो मैनिफेस्टो में शहर में और ग्रामीण अंचल के अंदर 31000 सफाई कर्मचारी और उनको सरकारी जो है अपना सारी बातें और भी है मगर मेन बात ये राज जो था ये बड़ी मुश्किल से लेके आए थे। देखो एक मैं आखिरी बात बताता हूँ ये देखो मेरे को इन्होंने निशाने पे लिया मेरे को हराने के लिए पूरी बीजेपी लगी पूरे देश की मगर मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ मेरी कोई व्यक्तिगत लड़ाई इनके साथ नहीं थी जो इन्होंने चाम गाम धन भेद के साथ धन बल का प्रयोग किया रोहतक के मंत्री भूल कैप्चर करते पकड़े गए तो झज्जर के बांसी के मंत्री
जो है पैसे और जो शराब पाते हैं मेरे साथ कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी, व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी, कोई कोई निजी लड़ाई नहीं थी उनके साथ, लड़ाई कोई राजनीतिक थी। दीपेंद्र तो एक बहाना था, देखो भाई दीपेंद्र तो एक बहाना था, थारी थारा राज थारी चौदह असली निशाना था, सब निशाने जो थे। मैं तो एक बहाना था, निशाना ये था कि भाई बीजेपी का मेरे को सारी बीजेपी क्यों लगी, कोई मेरे से कोई व्यक्तिगत नहीं, ये थी कि भाई इनको पता है कि इनको सरकार से सत्ता से बाहर कोई कर सकता था तो हम कर सकते हैं, इसीलिए हमको निशाने कर दिया। मगर आपके आशीर्वाद से 21 तारीख का दिन दूर नहीं, 24 को जब रिजल्ट आएगा तो आपकी सरकार हरियाणा के अंदर जाकर वापस आ सकती है। आशीष का धन्यवाद करते हुए जय हिंद जय राम जी की जय करो राम की।